हेलो एवरीवन, आपके अपने सेफ्टीज लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले फायर स्प्रिंकलर के बारे में। फायर स्प्रिंकलर ये एक ऑटोमेटिक सेंसिटिव इक्विपमेंट है जो कि फायर लगने के बाद वहाँ पर फायर को एक्सटिंग्विश करता है। फायर स्प्रिंकलर हाई राइज बिल्डिंग, वेयर हाउस, बिल्डिंग प्रीमाइसेस और बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में इंस्टॉल किया जाता है। फायर स्प्रिंकलर का इन्वेंशन हेनरी परमेली ने 1874 में किया था। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर के बारे में। टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर यानी जो स्प्रिंकलर हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपने इंडस्ट्री में, तो उस स्प्रिंकलर के अंदर एक ग्लास या तो हम एक बल्ब कह सकते हैं वो होता है, और वो बल्ब के कलर से वो कहाँ पर एग्जैक्टली स्प्रिंकलर यूज़ करना है वो माना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ऑरेंज ग्लास बल्ब के बारे में, यानी कि ये जो स्प्रिंकलर है ये ऑफिसेस और बेसिकली घरों में यूज़ होता है। इसका टेम्परेचर लेवल जो होता है वो 57 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी कि 57 डिग्री सेल्सियस तक ये स्प्रिंकलर प्रॉपर तरीके से सेंस कर देता है, और फायर को सेंस करने के बाद ये ऑरेंज ग्लास बल्ब स्प्रिंकलर अपने आप ऑटोमेटिकली काम करने लग जाता है। देन सेकेंड आता है रेड ग्लास बल्ब। ये जो स्प्रिंकलर है वो बेसिकली ऑफिसेस और लिविंग रूम में यूज़ किया जाता है। इसका टेम्परेचर लेवल जो है वो है 68 डिग्री सेल्सियस। देन थर्ड आता है येल्लो ग्लास बल्ब स्प्रिंकलर। ये बेसिकली होम किचन्स में और साथ ही साथ स्मॉल वेयर हाउस या स्मॉल वर्कशॉप में यूज़ किया जाता है। इसका टेम्परेचर लेवल जो है वो है 79 डिग्री सेल्सियस। देन फोर्थ ग्रीन ग्लास बल्ब स्प्रिंकलर। ये स्प्रिंकलर बेसिकली होटल किचन्स और लार्ज वेयर हाउस या लार्ज वर्कशॉप में यूज़ किया जाता है। इसका टेम्परेचर जो है वो है 93 डिग्री सेल्सियस। देन फिफ्थ आता है ब्लू ग्लास बल्ब स्प्रिंकलर। ये बेसिकली ऑयल इंडस्ट्री साथ ही साथ केमिकल प्लांट में यूज़ किया जाता है। इसका टेम्परेचर लेवल जो है वो है 182 डिग्री सेल्सियस। देन सिक्स्थ ब्लैक ग्लास बल्ब स्प्रिंकलर। ये बेसिकली स्प्रिंकलर यूज़ किया जाता है ऑयल रिफाइनरी में। इसका जो टेम्परेचर लेवल जो है वो है 227 डिग्री सेल्सियस से लेके 260 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम देखेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम के हर एक कंपोनेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो है स्प्रिंकलर पाइपलाइन। स्प्रिंकलर पाइपलाइन वो पूरे सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण काम करती है, यानी कि स्प्रिंकलर पाइपलाइन ये वाटर को स्प्रिंकलर हेड तक पहुँचाने का काम करती है। देन सेकेंड कंपोनेंट स्प्रिंकलर हेड। स्प्रिंकलर हेड आउटलेट को सील करने का यानी कि लॉक करने का काम वहाँ पर करता है। थर्ड आता है वाटर सप्लाई यानी कि वाटर सोर्स। तो पूरे स्प्रिंकलर सिस्टम को जो वाटर प्रोवाइड किया जाता है वो एक्चुअली ओवरहेड टैंक, अंडरग्राउंड टैंक, साथ ही साथ ओपन वाटर सोर्सेज से उसको वाटर प्रोवाइड किया जाता है। देन फोर्थ कंपोनेंट मेन वॉल्व। मेन वॉल्व को यूज़ आपको तभी करना है जब भी आपको वाटर सप्लाई को ऑन और ऑफ मोड पे लाना हो। देन फिफ्थ कंपोनेंट अलार्म बेल। जब भी स्प्रिंकलर कुछ कारण ऑपरेट हो जाएगा तभी अलार्म गोंग बेल ऑटोमेटिकली वहाँ पर बजने लगेगा, यानी कि वर्किंग कंडीशन में हो जाएगा। और ये अलार्म गोंग बेल एग्जैक्टली पंप हाउस के नियर बाय इंस्टॉल किया जाता है। इस कंपोनेंट प्रेशर गेज। प्रेशर गेज हमेशा पाइप के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, साथ ही साथ एग्जैक्ट तरीके से प्रेशर मेंटेन हुआ है कि नहीं उसको चेक करने के लिए प्रेशर गेज का यूज़ होता है। देन सेवेंथ ड्रेन वॉल्व। जब भी कभी स्प्रिंकलर सिस्टम का मेंटेनेंस का वर्क चल रहा होगा तभी पूरी तरीके से वाटर को ड्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस समय ड्रेन वॉल्व का यूज़ होता है। देन एट टेस्ट वॉल्व। जब भी कभी स्प्रिंकलर सिस्टम का काम यानी कि मेंटेनेंस का काम कंप्लीट हो जाएगा और पूरा सिस्टम चेकिंग का समय आ जाता है तभी टेस्ट वॉल्व का यूज़ होता है। देन नाइन्थ कंपोनेंट फ्लो स्विच। फ्लो स्विच का यूज़ तभी किया जाता है जब भी कभी एरर वगैरह कुछ डिटेक्ट हो गया और वो जो एरर के वजह से सिग्नल अलार्म पैनल को यानी कि फायर अलार्म पैनल को प्रोवाइड किया जाता है, तो उस समय फ्लो स्विच का यूज़ होता है। तो आज हमने इस वीडियो में स्प्रिंकलर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर और स्प्रिंकलर के हर एक कंपोनेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ली है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।